आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में नवी मुंबई महानगर पालिका के सभी नागरिकों को मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं। इस बार जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसकी बैकग्राउंड जो है बहुत अलग है। हर साल हम जो 15 अगस्त मनाते हैं, उसमें हम याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया है, उन सैनिकों को जो सीमा पे हमारा रक्षण करते। इस बार स्वतंत्रता दिवस हम कोविड के बैकग्राउंड पे मना रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, इस बार हमें जो हमारे कोविड योद्धा है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है, इन सभी का एक ख्याल दिल में रखना चाहिए, जो पूरी समर्पण वृत्ति से आज नागरिकों की सेवा में जुड़े हैं, खुद भी रिस्क ले रहे हैं, खुद की फैमिली को भी रिस्क दे रहे हैं, बट फिर भी अपने कर्तव्य से वो पीछे नहीं हट रहे। जब हम कोविड योद्धा की बात करते हैं, तो कोविड योद्धा की कल्पना सिर्फ इन लोगों तक सीमित नहीं रहती जिनका मैंने अभी उल्लेख किया। यह हर एक नागरिक कोविड योद्धा बन सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको कोविड की हमें जो टकराव करना है, उसके लिए जो हमारी जिम्मेदारी वो समझते हुए उसका हमें पालन करना पड़ेगा। अगर हर नागरिक तय करता है कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो करना है, कोविड से हमारी जो लड़ाई है उसके लिए जो तत्व बताए गए हैं उन सभी का पालन करना है, तो मुझे विश्वास है कि हर आदमी अगर ठान ले कि मैं भी कोविड योद्धा हूँ, तो ये कोविड की महामारी से हम सामना करके बहुत जल्द इसमें विजय हासिल करेंगे। फिर से एक बार सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।